आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां पर 31 दिसंबर से यूपी में शीतकालीन अवकाश घोषित हो चुका है। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल के स्कूल बंद रहने वाले हैं। 15 दिनों तक ये शीतकालीन अवकाश अब जारी हो रहा है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश निर्धारित किया गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बढ़ती ठंड के बीच एक राहत भरी खबर। 31 दिसंबर से यूपी में शीतकालीन अवकाश घोषित हो रहा है, जहां प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल अब 15 दिनों के लिए बंद रहने वाले हैं। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर शीतकालीन अवकाश घोषित हो चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो तापमान है उसमें अब गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी को देखते हुए अब बच्चों को एक राहत देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर अब उत्तर प्रदेश में शीतकालीन अवकाश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आज ये बड़ा ऐलान, जहां पर 31 दिसंबर से यूपी में शीतकालीन अवकाश घोषित हो रहे हैं। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल इसमें बंद रहेंगे। और इसी बीच आपको फिरोजाबाद से बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर गिरिधारी इंटर कॉलेज पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में महिलाओं का हुजूम देखने को मिला है, जहां भारी संख्या में महिलाएं कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए पहुंची हुई थी। तो बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था गिरधारी इंटर कॉलेज में, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंचने के लिए महिलाओं की जो तादाद है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है। तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल से, जहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी संख्या में महिलाएं प्रियंका गांधी को सुनने के लिए पहुंची हुई थी। गिरधारी इंटर कॉलेज में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोरोना को लेकर हुई मीटिंग पर बोले डीएम अभिषेक प्रकाश। कहा कि बाजारों में नो मास्क नो सामान अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। नए साल पर रात 11 बजे के बाद कहीं भी पार्टी नहीं होगी। वहीं गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो एक तरफ कोरोना का साया जो है बढ़ता दिख रहा है, वहीं कोरोना को लेकर हुई मीटिंग के बाद डीएम अभिषेक प्रकाश का बयान सामने आया, जहां उन्होंने बाजार में नो मास्क नो सामान का अभियान चलाने की जो निर्देश है वो जारी किए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि नए साल पर रात 11 बजे के बाद कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की जाएगी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।